तो सरकार बनने के बाद एक और बुरी खबर आई है। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका से बड़ा झटका मिला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत को मिलने वाले जीएसपी दर्जे को खत्म करने के फैसले से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी अमेरिका की ओर से बाकी देशों को बिजनेस में दी जाने वाली छूट है। सबसे पुरानी और बड़ी प्रणाली इस छूट की जीएसपी को ही माना जाता है। इसके तहत दर्जा पाने वाले देशों को हजारों सामान बिना किसी शुल्क के अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की छूट होती है। व्हाइट हाउस की घोषणा के मुताबिक भारत का जीएसपी दर्जा 5 जून 2019 को खत्म हो जाएगा। हालांकि इसकी घोषणा पहले हुई थी, कयास पहले से लगाए जा रहे थे। ट्रंप ने 4 मार्च को इस बात की घोषणा कर दी थी। वो जीएसपी प्रोग्राम से भारत को बाहर करने वाले हैं। इसके बाद 60 दिनों की नोटिस अवधि 3 मई को खत्म हो गई। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अब तक यह आश्वासन नहीं दिया है कि वो अपने बाजारों में अमेरिका को बेहतर पहुंच देगा। और आइए अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार को घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चे पर झटके लगे हैं। जिन 2 खबरों को हमने विस्तार से आपको बताया, वो दोनों ही खबरें चूंकि सरकार बनने के ठीक बाद आई हैं, इसे मोदी सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। घरेलू स्तर पर जो झटका है उसके बारे में हमने आपको बताया, और विदेशी मोर्चे पर अमेरिका की ओर से जो झटका लगा है वो भी बहुत अहम है। हालांकि ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इससे किसी निष्कर्ष पर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे देखना होगा कि सरकार इनसे कैसे निपटती है। लेकिन फिलहाल चूंकि सरकार बनने के ठीक बाद ये खबरें आई हैं, इसीलिए इसे मोदी सरकार को झटके के तौर पर देखा जा रहा है।